अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू सर न्यूटन्स क्लासरूम। आज हम क्लास वन की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सेवन में इकाई और दिहाई यानी के वंस एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इकाई और दिहाई मतलब वंस एंड टेंस क्या होता है? चले मैं आपको अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा कि इकाई और दिहाई यानी के वंस एंड टेंस क्या होते हैं। बच्चों, आप इकाई और दिहाइयों की पहचान के लिए आप अपने हाथों की उंगलियां और मुख्तलिफ नंबर डिजिट्स यानी के गिनती वगैरह से कर सकते हैं। वंस एंड टेंस यानी इकाई और दिहाई, वंस यानी इकाई, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। जीरो से नौ तक इनको हम इकाई यानी के वंस कहते हैं। टेंस यानी दिहाई या फिर दिहाइयां, और इस तरह नंबर दस में हमारे पास जीरो यानी के सिफर इकाई है, यानी के सिफर हमारे पास वंस हैं और एक हमारे पास दिहाई है यानी के टेंस हैं। टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन। बच्चों, इस तरह हम नंबर टेन से लेकर नाइन्टी नाइन तक के नंबर्स को हम दिहाई यानी के टेंस कहते हैं। बच्चों, इकाई और दिहाई यानी के वंस एंड टेंस के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई है ना? टेंस और वंस, सबसे पहले सीखते हैं कि दस का असल मतलब क्या होता है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। देखें, यहां नौ ब्लॉक्स हैं और मजीद एक से दस ब्लॉक्स बन जाते हैं। नंबर दस पहला और सबसे छोटा दो हिंसों वाला नंबर है। दो हिंसों वाले नंबर में दाएं जाने वाले हिंसे को वंस वाले कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि ये वंस पर मुश्तमिल होता है। इसको यूनिट्स भी कहते हैं, जबकि बाएं जाने वाले नंबर को टेंस वाले कॉलम में लिखा जाता है, क्योंकि ये टेंस पर मुश्तमिल होता है। हम इसको टेन वंस या टेन यूनिट्स या वन टेन और जीरो वंस कहते हैं। चले अब 11 से 19 तक के नंबरों को टेंस और वंस में तोड़ते हैं और इसके साथ साथ उन नंबरों का नाम भी सीखते हैं। एक टेंस और एक वन, इलेवन है। एक टेन और दो वंस, ट्वेल्व है। एक टेन और तीन वंस, थर्टीन है। एक टेन और चार वंस, फोर्टीन है। एक टेन और पांच वंस, फिफ्टीन है। एक टेन और छह वंस, सिक्सटीन है। एक टेन और सात वंस, सेवनटीन है। एक टेन और आठ वंस, एटीन है। एक टेन और नौ वंस, नाइनटीन है। चले आइए बच्चों, अब हम कुछ खाली जगह पूर करेंगे। हमारे पास नंबर्स मौजूद होंगे और हमने उन नंबर्स को दुरुस्त करके लिखना है कि इनमें से कौन सा इकाई यानी के वंस होगा और कौन सा दिहाई यानी के टेंस होगा।
बच्चों यहां पर तस्वीर है, इनमें चीजों को गिनकर टोटल नंबर लिखेंगे और फिर हम बताएंगे कि इकाई यानी के वंस कौन सा नंबर है और दिहाई यानी के टेंस कौन सा नंबर है। चलें बच्चों, अब हम आपकी किताब से भी इकाई और दिहाई का तसव्वुर करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से लेकर दस तक गिनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 1 से 9 तक इकाइयाँ यानी कि वंस हैं और फिर 10 में हमारे पास सिफर इकाई है और 1 दिहाई यानी कि 0 वंस हैं और 1 टेंस हैं। बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई है ना, और अब आप अपनी किताब में उन नुकात को मिलाकर नंबर 10 लिखें और इसके साथ साथ नंबर लिखें और दी गई जगह पर उतनी ही लाइनें बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उम्मीद है कि बच्चों आपको इस क्लास में इकाई और दिहाई यानी कि वंस एंड टेंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।